आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक से डिसकनेक्ट कैसे करें, या फिर अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को अलग अलग कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद ऐसा पेज आएगा, उसके बाद नीचे राइट साइड कॉर्नर में ये जो प्रोफाइल फ़ोटो का गोल सा आइकन आएगा या फिर आपके प्रोफाइल का गोल सा लोगो आएगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर अब राइट साइड में ये जो तीन लाइन आ रही हैं, इन तीन लाइन पे क्लिक करिए। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद आएगा ऊपर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, या फिर आपके फ़ोन में ओनली सेटिंग्स आएगा तो इस पर क्लिक करिए। तो सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा योर अकाउंट, और योर अकाउंट में आएगा ये अकाउंट सेंटर, तो अकाउंट सेंटर पे क्लिक करिए। अब अकाउंट सेंटर में आने के बाद आएगा इस तरीके से प्रोफाइल्स, तो यहाँ पे प्रोफाइल्स पे क्लिक करिए। अब अकाउंट सेंटर में आने के बाद यहाँ पे आएगा प्रोफाइल्स, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल्स पे क्लिक करिए। प्रोफाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपका इंस्टा और फेसबुक दोनों अकाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो फेसबुक आईडी आएगी, आपकी फेसबुक अकाउंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा पेज आएगा, तो नीचे फेसबुक आएगा, आपका फेसबुक प्रोफाइल का नाम आएगा, इस पर क्लिक करिए। और यहाँ पे अगर आपको रिमूव ऑप्शन मिलेगा तो रिमूव पे क्लिक करिए। अगर रिमूव नहीं आएगा तो बैक आने के बाद जब आप अकाउंट सेंटर में आएंगे तो नीचे आएगा अकाउंट सेटिंग में अकाउंट्स, अकाउंट्स पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आएगा आपका फेसबुक, फेसबुक प्रोफाइल का नाम, इसके सामने आएगा रिमूव, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद कंफर्म करने के लिए रिमूव अकाउंट आएगा फिर से, तो इस पर क्लिक करिए। नीचे फिर से कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू करिए। नीचे रिमूव आएगा, इस पर क्लिक करिए। 2 से 3 सेकेंड वेट करिए, उसके बाद आपका अकाउंट डिस्कनेक्ट हो गया है तो ओके करिए। तो अब आपका इंस्टा और फेसबुक अकाउंट अलग अलग हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।